डियर फ्रेंड्स और स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम पुनः क्लास टेंथ यूपी बोर्ड से रिलेटिव चैप्टर नंबर 2 ए लेटर टू गॉड लेकर आपके सामने आए हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अपने इस लेसन से संबंधित 2 प्रीवियस वीडियो ऑलरेडी डाल चुका हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2। जैसे कि लेसन थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए मैं पार्ट वाइज इसको किया हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कहाँ से हमें देखना है, पढ़ना है। चलिए फिर देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये पैसेज नंबर जो 7 है, यहाँ तक हम इसे ऊपर 6 तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जैसे कि मैं 6 में आपको बताया था कि लेंचो का पैसा जो कलेक्ट पोस्टमास्टर और उसके जो उनके जो साथी जो थे वे कर रहे थे, और उन्होंने जैसे कि लेंचो का डिमांड था कि 100 पैसे उसे चाहिए, और जैसा कि पोस्टमास्टर और उनके अन्य जो साथी जो थे वो सब आधे से कुछ अधिक रकम को क्या कर लिए थे, जमा कर लिए थे, और वे उस धन को उस इन्वेलप लिफाफे में डालकर और लेंचो और केवल उसके ऊपर एक सिग्नेचर, केवल भगवान का सिग्नेचर उस पर दिए थे। आइए फ्रेंड्स देखते हैं फिर। जैसे कि देख रहे हो, द फॉलोइंग संडे लेंचो कैम अ बीट अर्लियर का मतलब है पहले से कुछ पहले, जैसे कहने का मतलब थोड़ा सा पहले, देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम। तो कह सकते द फॉलोइंग संडे मतलब अगले रविवार, लेंचो कैम अ बीट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क। लेंचो जो था वह पहले से कुछ समय पहले, अर्थात पहले भी वो आया था लेटर के बारे में पूछने, लेकिन अगला जो संडे था उस दिन लेंचो पहले से कुछ समय थोड़ा सा पहले आया था यह पूछने इफ़ देयर वॉज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके लिए कोई चिट्ठी है कि नहीं। आगे देखते हैं फिर। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन हु हैज़ परफॉर्म्ड गुड डीड्स लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोर वे ऑफ हिज ऑफिस। आइए देखते हैं फिर। इट वॉज पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, और इस बार वह पोस्टमैन ही था जो उसे लेंचो को यहाँ पर लेंचो के लिए हिम आया है, जो उसे क्या किया, लेटर को दिया, अर्थात हम कह सकते हैं एक शब्द में जैसे कि वह जो डाकिए ने स्वयं डाकिए ने क्या स्वयं उसे वह पत्र दिया। और यहाँ पर वाइल जबकि द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ ए मैन, और दूसरी तरफ जो डाकिया था वह एक संतुष्ट भाव वाला व्यक्ति, अर्थात संतुष्ट एकदम भाव वाला व्यक्ति, हु हैज़ परफॉर्म गुड डीड्स जो कि एक अच्छा काम किया हो, लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे ऑफ हिज ऑफिस, वह अपने ऑफिस के खिड़की से क्या से झाँक कर यह चीज देख रहा था कि वह एक संतुष्ट आदमी है जो एक अच्छा काम कर रहा हो। यह स्थिति देखने के लिए वह अपने खिड़की के ऑफिस के खिड़की से क्या कर रहा था, लेंचो और पोस्टमास्टर को देख रहा था। लेंचो सॉड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, लेंचो को उस धन को मतलब देखकर ज़्यादा आश्चर्यचकित मतलब लेंचो ज़्यादा आश्चर्यचकित आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंट बट ही बिकेम एंग्री वेन ही काउंटेड द मनी। जैसे कि लिखा है यहाँ पर सच वॉज हिज कॉन्फिडेंट, जैसे कि उसका आत्मविश्वास था, बट ही बिकेम एंग्री परंतु वह क्रोधित हो गया, वेन ही काउंटेड द मनी जब वह धन को क्या किया गिना तो वह क्या हो गया, नाराज हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, वह सोचता है लेंचो कि भगवान संभवतः कोई गलती नहीं कर सकता, नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो हु हैड द रिक्वेस्टेड, और न ही लेंचो के द्वारा जो रिक्वेस्ट अर्थात निवेदन जो किया गया उसे वह क्या कर दे, इनकार कर दे।
लेंचो का ये कॉन्फिडेंट था। आइए फिर देखते हैं। इमिडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। और तभी तुरंत लेंचो खिड़की के पास गया पेपर और इंक लेने। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, पब्लिक का जो राइटिंग टेबल बनता है, जैसे कि आप ऑफिस में भी देखते होंगे या बैंक के बाहर भी आप देखते होंगे, एक रहता है, एक टेबल रखा रहता है जो जनरली पब्लिक के लिए होता है, वहाँ पर वो पहुँच के ही स्टार्टेड टू राइट विच मच रिंकलिंग ऑफ हिज आईब्रो। पूरे चिंतन के साथ वह लिखना वहाँ पर क्या कर दिया, आरंभ कर दिया। इस बीच उसके जो भाव थे वह चिंतापूर्ण से क्या रहते हैं, झुक रहे थे। बाय द इफोर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया। और वह अपने विचारों को मतलब प्रकट करने के लिए वह ज़्यादा क्या किया, प्रयत्न किया लिखने में। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टॉम्प। जब उसने लिखने का जब काम क्या कर लिया, समाप्त कर लिया, तो वह खिड़की के पास स्टाम्प अर्थात टिकट को खरीदने के लिए पहुँचा। विच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप विद ए ब्लो ऑफ हिज फिस्ट। और वह उसे क्या किया, उस थूक लगाकर वह उस लिफाफे पर उसे अफिक्स कर दिया, मतलब व्यवस्थित कर दिया, उस पर चिपका दिया विद ए ब्लो ऑफ फिस्ट, कह सकते हैं अपने मुट्ठी से मारकर क्या कर दिया, उस लिफाफे पर उस चिट्ठी को थूक लगाकर क्या कर दिया, चिपका दिया। द मोमेंट दैट द लेटर फेल इन द मेल बॉक्स द पोस्ट मास्टर वेंट टू द ओपन इट। और जो ही वह लिफाफा मेल बॉक्स अर्थात उस डाक पेटिका में जब डाला गया, तभी द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, द पोस्ट मास्टर जो था वह उसे खोलने के लिए गया। इट सैड, उसने कहा गॉड, अर्थात उस चिट्ठी में लिखा था गॉड और द मनी डैट आई आस्क फॉर, भगवान, हे प्रभु या हे ईश्वर, मैंने जो पैसे के लिए आपसे कहा था, ओनली 70 पैसोज रिच मी, केवल उसमें से मात्र मेरे पास 70 पैसे आए हैं, पैसोज, सेंड मी द रेस्ट, और जो शेष जो पैसे है उसे आप भेज दें, सिंस आई नीड इट वेरी मच, जैसा कि मुझे बहुत इसकी क्या है, चूँकि इसकी ज़रूरत मुझे बहुत है, बहुत अत्यधिक है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, परंतु यह मुझे कोई मेल के द्वारा मत भेजिएगा, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वेर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। और जैसा कि उसने बताया था, जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ है, कर्मचारी हैं, वह बंच ऑफ क्रूक्स है, वह मतलब चोर और हैं, मतलब कह सकते हैं लेंचो, उसने एक सिग्नेचर कर दिया। सो स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल वैष्णवी क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि प्रतिदिन का आने वाला वीडियो आपको समय से मिलता रहे। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स, दैट्स ऑल।